खैमा के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। ईद खुयाम खुदा ने मनाने का हुक्म इसलिए दिया कि हर ईमानदार ये हमेशा याद रखे कि वो जमीन पर परदेशी और मुसाफिर होते हुए हमें ईद खयाम क्यों मनानी चाहिए और ईद खयाम का हुक्म जो है वो किसी दूसरी किताब में नहीं बाइबल मुकद्दस में है, जिसको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है, उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सब के साथ हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज एक नई वीडियो के लिए, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प मालूमाती और बिलखसूस वो लोग जो सच्चाई पसंद हैं और सच्चाई को जानना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए है। खुदा का कलाम बेशक सच्चाई है और हमें जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है उसको मानना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। सो आज की जो वीडियो है वो है कि खैमों की ईद क्या है, ये आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ईद खयाम के बारे में हम बाइबल मुकद्दस की जो तालीमात पर मुश्तमिल बातें हैं वो आज की वीडियो में हम सुनेंगे करेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ईद खयाम के ताल्लुक से। मेरे भाई मेरी बहन याद रखिएगा कि सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ता है। अफसोस कुछ लोग वीडियो जो है वो बस शुरू करते हैं और पूरी वीडियो नहीं देखते, और बाज लोग तो सिर्फ तहस्सुबबाजी की वजह से वीडियो नहीं देखते क्योंकि वो समझते हैं कि शायद हम ये वीडियो देख लेंगे तो हमें सच्चाई को मानना पड़ेगा। नहीं, बाहैसियत मसीही होते हुए अगर आप खुदा के कलाम से प्यार करते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखा करें, इसके बाद आप कोई भी फैसला कर सकते हैं, आप रद्द कर सकते हैं, आप कबूल कर सकते हैं, सुनने के बाद और देखने के बाद जो है वो फैसला करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है उसको हम जल्दी से शुरू करते हैं। आज मैं हवाला जात वीडियो में नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे बाइबल मुकद्दस में से ज्यादा हवाला जात आपके सामने पढ़ने हैं। सो मैं अनाउंस करूंगा, हवाला जात बताता चला जाऊंगा और आप मेरे साथ उनको पढ़ सकते हैं, अपनी बाइबल में से निकाल कर पढ़ सकते हैं। सो ईद खयाम के लिए सबसे पहला हवाला जो है वो मैं अहबार की किताब उसके 23वें बाब की 33वीं आयत में से पढ़ूंगा। लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि उसी 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदावन के लिए ईद खयाम होगी। तो पहले दिन मुकद्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादमा ना काम ना करना। सो पहली बात मैं जो यहां करना चाहता हूं कि यहां ईद खयाम जो है ये खुदावन के लिए है। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जो 7 ईदें खुदावन की हैं वो खुदावंद की नहीं है, वो यहूदियों की है, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि ये 7ों ईदें खुदावंद की हैं और खुदावंद के लिए हैं। इसलिए वो लोग जो खुदावंद को अपना मालिक और खालिक जानते हैं और जिंदा खुदा की इबादत करते हैं उन पर ये लाजिम है कि वो
खुदावंद की ईदों को मनाएं, उन पर लाजिम है कि वो खुदावंद के लिए ईद खयाम भी मनाएं। अब ईद खयाम के बारे में सबसे पहले हमें जो लफ्ज खैमा के लिए इबरानी जुबान में मिलता है वो है सखोत, जिसका मतलब खैमा, आरजी पनागा, झोंपड़ी, झोंपड़ी वाली आरजी जगह। ईद खयाम के दौरान आरजी पनाहगा जो दरख्तों की शाखों से बनाई जाती है, आरजी पनाहगाह घरों की छतों पर भी और साफ सुथरी गलियों में भी बनाई जाती है। इसमें खास जो मैसेज है, अगर आप इसकी जो वजाहत को जानना चाहते हैं तो जरूर वजाहत को जानें। ये नहमिया की किताब उसके 8वें बाब की 14 से 17 आयत में यूं लिखा है, और उनको शरीयत में ये लिखा मिला कि खुदावंद ने मूसा की मार्फत फरमाया है कि बनी इसराइल 7वें महीने की ईद में झोंपड़ियों में रहा करें। ठीक है जी, तो 15, 16 और 17 ये आप घर में खुद पढ़े बाइबल में से, आप बाखूबी जान सकते हैं कि ईद खयाम जो है वो कितनी अहम है, और इसके बारे में हम बाइबल मुकद्दस में जो मैसेज हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि हम एज ए मसीही होते हुए हमें ईद खयाम क्यों मनानी चाहिए, और ईद खयाम का हुक्म जो है वो किसी दूसरी किताब में नहीं बाइबल मुकद्दस में है, जिसको हम जिंदा खुदा का कलाम कहते हैं। तो जिंदा खुदा के कलाम में जो भी हुक्म है वो खुदा का हुक्म है और सबके लिए है। ईद खयाम से बनी इसराइल बियाबान में झोपड़ियों में रहते थे, इस बात की याद ताजा की जाती थी, और दूसरी बात यह है कि हर इंसान इस दुनिया में आरजी तौर पर रहता है। ईद खयाम में बनी इसराइल कौम झोंपड़ियों में रहकर, सायाबानों में रहकर, खैमों में रहकर इस बात का 7 दिन इस बात का खुदा के हुजूर में इजहार करते थे, इजहार करते हैं, जो कि मुझ पर और आप पर भी लाजिम है कि हम जमीन पर आरजी तौर पर रहते हैं, हम परदेशी हैं, हम मुसाफिर हैं, और इससे आजजी और हलीमी जाहिर होती है, जो कि हर इंसान ईमानदार पर लाजिम है कि वो आजजी और हलीमी और फरोतनी से खुदा के हुक्मों पर अमल करे। अगर हम बुजुर्ग पालूस रसूल की तालीम को देखें तो बुजुर्ग पालूस रसूल अपने आप को इस जमीन पर आरजी तौर पर लगाया हुआ खेमा बयान करते हैं। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब और 1वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खेमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। गौर तलब बात है मेरे अजीज बहनों और भाइयों कि हमारा ये बदन आरजी है, और इसे बाइबल मुकद्दस खेमे से तशबीह देकर बुजुर्ग पालूस कहते हैं कि हमारा बदन गिराया जाएगा, ये आरजी खेमा है। ईद खयाम खुदा ने मनाने का हुक्म इसलिए दिया कि हर ईमानदार ये हमेशा याद रखे कि वो जमीन पर परदेशी और मुसाफिर है। इसलिए जब हम ईद खयाम मनाते हैं तो आजजी का इजहार करते हैं, तकब्बर और गुनाह से बचने के लिए इन बातों को याद रखना बहुत जरूरी है। बाज लोग इस जमीन को अपना मुस्तकिल घर समझकर यहां दिल लगा के बैठे हुए हैं। खुदा का कलाम इस दुनिया में दिल लगाने से मना करता है। बुजुर्ग पत्रस रसूल अपने पहले खत की पहली
बाब की 14 आयत में, पहला पत्रस उसका पहला बाब और 14वीं आयत में फरमाते हैं, क्योंकि हमारे खुदावन यीशु मसीह के बनाने के बताने के मुआफिक मुझे मालूम है कि मेरे खैमा के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। अब बुजुर्ग पत्रस रसूल भी अपने आप को आरजी तौर पर, अपने बदन को आरजी तौर पर खैमा से ताबीर करते हैं, तशबीह देते हैं, जो कि मेरे और आपके लिए भी ये जानना और ईमान लाना और इसको मानना बाहैसियत मसीही बहुत जरूरी है कि हम इस जमीन पर परदेशी और मुसाफिर हैं। इसलिए खुदा का जो हुक्म है, 7 दिन सायाबानों में रहो, खेमों में रहो, झोंपड़ियां बनाकर रहो, ताकि तुम अपने घर बनाकर उनमें जब रहने लोगो, इस तस्ना की किताब में लिखा है, जब तुम मजबूत घर बनाकर उसमें रहने लोगो तो कहीं तकब्बर और गरूर से तुम्हारा दिल भर ना जाए, कहीं अपने दिल में ना सोचना कि तुम यहां मुस्तकिल रहने वाले हो। सो हम सब मुसाफिर हैं। सो ईद खयाम हर मसीही पर मनाना लाजिम है, क्योंकि हम भी अपने अपने खैमे से एक दिन आरजी तौर पर जो कि हमने पहना हुआ है वो गिराया जाएगा और हम एक आसमानी इमारत में जाने वाले हैं। ईद खयाम को नए मनाने की सजा भी बाइबल मुकद्दस ने बताई है। ईद खयाम सिर्फ यहूदियों की ही नहीं बल्कि गैर कौमों की भी है, क्योंकि खुदा यह चाहता है कि गैर कौमें भी ईद खयाम मनाएं। ज़िक्रिया की किताब उसका 14वां बाब और मैं 16वीं आयत आपके सामने, 16वीं आयत से आपके सामने पढ़ना शुरू करता हूं। और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल बसाल बादशाह रब्बुल फवाज को सजदा करने, और लिखा है ईद खयाम मनाने को आएंगे। ठीक है जी, यहां सब कौमों की बात हो रही है, सिर्फ यहूदियों की नहीं। 17वीं आयत में लिखा है और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल फवाज के हुजूर सजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे, नी न बरसेगा, बारिश नहीं होगी। ये सजा है, ईद खयाम को न मनाने की सजा भी है। और ईद खयाम का जो मनाने का हुक्म है वो तमाम कौमों के लिए है। आयत नंबर 18 में लिखा है और अगर कबाइल मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती न आए तो उन पर वही अजाब नाजिल होगा जिसको जिसका खुदावन उनके गैर कौमों पर नाजिल करेगा जो ईद खयाम मनाने को ना आएंगी। अब गौर करें, तमाम गैर कौमों पर ये हुक्म बारी ताला की तरफ से ये हुक्म है कि जो ईद खयाम मनाने ना आई उन पर, तमाम गैर कौमों पर वही अजाब नाजिल होगा जो कबाइल मिस्र पर नाजिल होता है। सो अहले मिस्र, 19वीं आयत में लिखा है अहले मिस्र और उन सब कौमों की जो ईद खयाम मनाने को ना जाएं, यही सजा होगी। तो इसका दूसरा रुख जो ये है कि खुदा तो चाहता है कि गैर कौमें भी खुदावंद की ईदे मनाएं, खुदावंद के हुजूर में उसी तरह से ताजीम करें ईदों की जिस तरह से यहूदी करते हैं, क्योंकि गिनती की किताब उसके 15 बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि देशी और परदेशी के लिए कानून जो है वो एक ही है। सो इन तमाम हवाला जात को आप अपनी बाइबल में से पढ़ें। मैं इस दफा वीडियो में आयतें नहीं लगाऊंगा, इनको अपनी बाइबल में से पढ़ें और खुदावंद के कलाम पर ईमान लाएं। बाहैसियत मसीही हमें ईद खयाम मनानी चाहिए ताकि हम भी
खुदा के उस हुक्म को मानकर ऐसे लोगों में शामिल हों जो खुदावंद को खुश करते हैं। खुदावंद आप सबको अपने कलाम पर ईमान लाकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।